Hello folks, welcome to CarDekho, where we help you pick the right car right now. And right now, जैसे देख सकते हैं मेरे सामने खड़ी है Jaguar की नई XE. ये एक facelift है, so design changes काफ़ी subtle हैं. But before हम design की बात करें, मैं आपको इसका price बता देता हूँ. ये गाड़ी दो variants में available है, for both petrol and diesel. S and SE variants, जो S variant है वो 44.98 lakh rupees पे priced है, whereas जो SE variant है वो 46.33 lakh rupees का है. ये दोनों prices ex-showroom हैं. So अब बात करते हैं गाड़ी के design की. I'll start with this front end here. आप देख सकते हैं Jaguar ने काफ़ी subtle से changes करे हैं. ये जो headlamps यहाँ पर हैं ये थोड़े नैरो कर दिए हैं, मोर अग्रेसिव कर दिए हैं, एंड जो ग्रिल है थोड़ी वाइडर कर दी है, सो इट गिव्स द कार थोड़ा एक मोर अग्रेसिव स्टांस. एंड जो बम्पर है वो भी रीडिज़ाइन किया है, तो इसकी जो डिज़ाइन अपील है वो थोड़ी फ्रेश हो जाती है. लेट्स मूव टूवर्ड्स द साइड हियर. एंड दीज एलॉय व्हील्स जो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैट ग्रे कलर में फिनिश्ड हैं. ये 17-inch व्हील्स हैं, बट अगर मैं बात करूँ अच्छे तो दिखते हैं, बट अगर यहाँ पे 18 या 19-inch व्हील्स दिए होते तो इस गाड़ी की सेक्स अपील थोड़ी और बढ़ जाती. लेट्स मूव टू द साइड ओवर हियर. एंड प्रोफाइल में जैसे आप देखेंगे पुरानी एक सीख से काफ़ी मिलता जुलता डिज़ाइन है. इवन एफ टाइप की झलकियाँ आपको इसमें दिखेंगी. पीछे की तरफ आते हैं तो ये जो टेल लैम्प्स हैं ये भी थोड़े फिर से रीडिज़ाइन किए गए हैं, थोड़े नैरो हो गए हैं. इसमें नए एलईडी एलिमेंट्स आ गए हैं जो इसे प्रीमियम और स्टाइलिश लुक देते हैं. एंड ये बम्पर जो है ये बम्पर भी रीडिज़ाइन किया गया है सिंपली टू गिव दिस फेसलिफ्ट अ मोर फ्रेश लुक. लेट्स सी द बूट ओवर हियर. बूट जो है 403 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस है. नाउ थोड़ा डार्कनेस की वजह से ढंग से दिख नहीं रहा है, बट एक बार आपको थोड़ा हाथ डाल के मैं अंदाज़ा दे देता हूँ कि ये काफ़ी एक डिसेंट अमाउंट ऑफ स्पेस है, इफ़ नॉट टू मच. मूविंग अराउंड टू दिस साइड ऑफ द कार, बात आती है अंदर घुसने की, तो चलिए अंदर बैठते हैं गाड़ी में. सबसे पहले अगर आप इस कैबिन में बैठेंगे तो आप यही चीज़ नोटिस करेंगे कि वो एक रैप अराउंड फील है इस कैबिन में, जो एक स्पोर्टी कैरेक्टर थोड़ा एम्बॉडी करती है. एंड यहाँ पे बात करूँ तो जैगुआर ने काफ़ी प्रीमियम मटेरियल्स लाइक लेदर एंड वुडन ट्रिम्स यूज़ करे हैं, जो इस कैबिन को काफ़ी एक अच्छी सी जगह बनाते हैं बैठने के लिए. एंड फीचर्स की बात करें सो जैग हैज़ गिवन अस अ डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर. And then there is this 10.25 inch digital screen, and you also have a sunroof. So in comparison to its competitors, features की कमी नहीं है, but ऐसा कोई stand out या wow feature नहीं है जो आपको दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलेगा. अब पीछे की तरफ चलते हैं. पीछे की तरफ बात करूँ तो मैं आपको अरुण से कहूँगा एक बार अरुण अंदर बैठ जाए. आई जस्ट वॉन्ट टू शो यू दी हेडरूम ऑफ द कार. सो एज यू कैन सी अरुण थोड़ा उधर की तरफ शिफ्ट हो गए, जैसे लोगों को बेटर हेडरूम. एक्चुअली इस सीट से उस सीट जाने में थोड़ी दिक्कत होती है क्योंकि जो फ्लोर हम्प है वो काफ़ी टॉल है. ये ड्राइवर सीट रफली मेरे ड्राइविंग पोजिशन पर है, मैं लगभग 6 feet टॉल हूँ. तो एज यू कैन सी नी रूम नॉट दैट ग्रेट, हेड रूम नॉट दैट ग्रेट. दी एक्सी इज अ कार दैट यू वॉन्ट टू एन्जॉय फ्रॉम द फ्रंट सीट. ध्रुव इंजन के बारे में बताओ. हाँ सो इंजन की बात करें, इसमें एक पेट्रोल इंजन है और एक डीजल इंजन है. सो द पेट्रोल इंजन एंड डीजल इंजन आर बोथ 2 liter यूनिट्स, बट डिफरेंस आता है उनके पावर आउटपुट्स में. सो द 2 liter इंजन, द 2 liter पेट्रोल इंजन मेक्स 250 PS ऑफ पावर एंड 365 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. दिस इज़ द पेट्रोल इंजन हियर. एंड द डीजल इंजन ऑन ऑफर इट मेक्स 180 PS ऑफ पावर एंड 430 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क. अब जो गेयरबॉक्स है वो दोनों में एक 8-speed ऑटोमेटिक है. एंड जो पावर है ये आप सुन के खुश होंगे सिर्फ रियर व्हील्स को जाती है. सो वो जो एक स्पोर्टी कैरेक्टरिस्टिक्स होता है गाड़ियों का, जो चलाने में मज़ा आता है एक रियर व्हील ड्राइव कार को, वो बरकरार रहता है. एंड एनीवे इंजन्स की बात हो गई, डिज़ाइन की बात हो गई, एंड हमें आप बताइए आपको ये गाड़ी कैसी लगी. एंड बिफोर आई फॉरगेट टू टेल यू, दिस कार रियली लुक्स गुड इन दिस रेड कलर ओवर हियर. एंड सो हमें बताइए आपको ये गाड़ी कैसी लगी, एंड क्या आप इसका एक फुल फ्लेज्ड रिव्यू देखना चाहेंगे या नहीं, हमें नीचे कॉमेंट्स में बताना ना भूलें. एंड मेक श्योर दैट यू सब्सक्राइब टू कार देखो फॉर मोर सच कार वीडियोज़.